तो गाइस क्या आप भी बोर हो चुके हैं माइनक्राफ्ट के पुराने ग्राफिक्स को बार बार देख के? क्या आप पे भी 1 GB या 2 GB का फ़ोन है जिसमें बड़े बड़े शेडर्स नहीं चल पाते? लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आज आपके लिए ऐसे शेडर्स लेके आया हूँ जो 1 GB 2 GB इवन सारे डिवाइसेस में ईजिली वर्क करते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो वीडियो में कहीं भी बीच में पासवर्ड दिखा दिया जाएगा। तो होप करता हूं आप वीडियो पूरी देखेंगे ताकि आपको पासवर्ड पता चल सके और आप शेडर्स को इजीली यूज़ कर सके अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड। तो गाइस मैंने पिछली शेडर्स की वीडियो में बोलता था कि अगर उस पर अच्छे से रिस्पॉन्स आएगा आप लोगों का तो मैं एक और शेडर्स की वीडियो लाऊंगा, और उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं आपके लिए एक और नई वीडियो ले आया हूं। तो होप करता हूं आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। और हमने कंप्लीट कर चुके 500 सब्सक्राइबर और हमारा नेक्स्ट गोल है 1K सब्सक्राइबर्स का, तो होप करता हूं आप वो जल्दी ही कंप्लीट करवा देंगे। तो गाइस बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइस सबसे पहले आपको जाना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको शेडर्स के पैक का लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट से आपको उसको वहाँ से डाउनलोड करना है। और उसके बाद आपको पासवर्ड डालोगे तो ये वाली फाइल खुल जाएगी आपके सामने। इसके अंदर 3-4 सब फाइल्स हैं जिसमें आपको 3 GB 4 GB 5 GB 6 GB रैम के फ़ोन्स के हिसाब से शेडर्स के पैक मिल जाएंगे। तो जो आपके फ़ोन में इजीली वर्क करेगा आप वो वाला पैक डाउनलोड कर लेना है आपको फटाफट। उसके बाद जो आपके फ़ोन में इजीली कंपैटिबल हो उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे दिख जाएगा उसकी फाइल का नेम आ रहा होगा बाहर की साइड, जैसे हमने अगर 3 GB करोगे तो 3 GB वाला आ रहा होगा। तो आपको उस पर क्लिक करना है और वहाँ से आपको व्यू वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जैसे आप व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर माइनक्राफ्ट खुल जाएगी। तो भाई जैसे आप गेम में एंटर करोगे तो आपको इंपोर्ट चार्टेड का ऑप्शन भी दिख जाएगा ऊपर की तरफ को, और जैसे ही आप थोड़ी देर रुकोगे तो उसके बाद वो इंपोर्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड भी हो जाएगा। और इसका मतलब है आपका शेडर्स आपके माइनक्राफ्ट के अंदर डल चुका है, बस आपको उसको वर्ल्ड में एक्टिवेट करना है जाके। तो भाई जैसे कि आप यहाँ पे नया वर्ल्ड बनाएंगे तो आपको नीचे रिसोर्स पैक दिख जाएगा, वहाँ पे आपको मिराई शेडर्स जो आपने भी डाउनलोड करे उसका नाम भी दिख जाएगा। तो आपको फटाफट से एक्टिवेट वाले बटन पे क्लिक करना है और ऊपर आपको एक्टिव में दिख जाएगा कि एक्टिव हो चुके हैं। तो फटाफट से आप जैसे ही वर्ल्ड क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे शेडर्स का दिख जाएगा कि शेडर्स इंस्टॉल हो चुके हैं आपके माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। तो भाई इस शेडर की खास बात यह है कि ये सारे फ़ोन्स में वर्क करता है, 1 GB 2 GB 3 GB कोई सा भी फ़ोन हो सब में वर्क करेगा, और इसमें लैग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। सबसे अच्छी बात इसके बिल्कुल लैग नहीं मिलेगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बिल्कुल लैग नहीं मिलेगा आपको देखने को, और ये इजीली वर्क करेगा सारे फ़ोन्स में। अब मैं आपको थोड़े से सिनेमैटिक्स भी दिखाई देता हूँ कि आपको पता चल जाए कैसा है ये शेडर्स। तो गाइस इस वीडियो में आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये शेडर्स कैसा लगा, और अगर आपको ये शेडर्स पसंद आए तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी और वीडियोज़ भी आने वाली है बहुत ही जल्द। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको शेडर्स पसंद आया तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो कि माइनक्राफ्ट खेलते हैं, उन्हें शेडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।